जी नो वोट फॉर बीजेपी 2019 नो वोट बीजेपी नो वोट फॉर बीजेपी क्यों ऐसा क्यों आप समझ आ रहे हैं? नहीं मैं समझ रहा हूं। हम दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है जी, इस वजह से नो वोट फॉर बीजेपी 2019 जो अत्याचार हो रहा है उसमें कहीं कहीं आप लोगों की भी तो कमी है। कैसे वो समय भूल जाते हैं? हम क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम समझते नहीं है क्या? बीजेपी की जो चालें होती हैं हम समझते हैं सब। इसलिए क्या है कि फिर हमने अभी निर्णय ले लिया बिल्कुल पूरा, नो वोट फॉर बीजेपी राजस्थान, नो वोट फॉर बीजेपी छत्तीसगढ़, ना ही मध्य प्रदेश, सभी के लिए। अब आपने ठान लिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जहाँ हमारे दलित भाई के साथ अत्याचार हुआ वहाँ बीजेपी को वोट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब सभी के अंदर एक जागृति आ चुकी है और देखा कि 2 तारीख को जो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ, और भारत बंद के अंदर किसी नेता ने आह्वान नहीं किया, किसी ने झंडे नहीं लगाए, किसी ने बैनर नहीं लगाए। ये हकीकत बात है। जब जब ये अत्याचार करेंगे वो समय दूर नहीं के एक होने के अंदर, वो एक हुआ और एक होने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि हम भी कुछ हैं। उसी जहां जब बंद हुआ वहीं कुछ जो शासन के द्वारा या आरएसएस के द्वारा कुछ लोगों को टारगेट किया गया, उनकी एक लिस्ट बनाई गई, उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन आज बहुजन समाज जो मूल निवासी हैं वो जागरूक हो चुका है, वो इनसे दबने वाला नहीं। हमारे बीच में एक महिला और आई, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विमलेश गौतम है। विमलेश गौतम जी, आप यहाँ बहुत तादाद के अंदर आई हैं और हमने देखा कि आप अधिकतर ये सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, कि यह बाबा साहब की देन है क्या ये? बिल्कुल बाबा साहब की देन है। हाँ जी बिल्कुल बाबा साहब की देन है। और हमारे जो बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म दिया था हमको, वो हमारे बुद्ध धर्म का प्रतीक है। मतलब बुद्ध धर्म के अंदर क्या बताया जाता है? बुद्ध धर्म के देखो, नमो तस्य भगवतो रत्तो सम्मा शंभु संबुदस्य जी। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी थी जी। और हमारा जो धर्म है वो हमारे पंचशील से शुरू होता है और त्रिशरण से शुरू होता है। तो शरणम गच्छामि, सर्वम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि जी जी। मतलब इन मंत्र से अगर हम जपेंगे तो हमारा उद्धार होगा। मानवता का धर्म है। लेकिन सब कहते हैं कि देवी को घर में रखो और शिक्षा की जननी सरस्वती है। नहीं अब सब लक्ष्मी नहीं है। नहीं अब सब नहीं कहते हैं। बहुजन तो जाग गया है। बहुजन जाग गया है। अब किसको जगाने की जरूरत है? अब बहुजन को ये सरस्वती और देवी की जरूरत नहीं है जी। और जो हमारे जो बाबा साहब हैं वो हमारे सच्चे भगवान, हमारे बाबा साहब हैं। भगवान बाबा साहब को हम भगवान इसलिए मानते हैं उनको कि उन्होंने जो हमारे जो संविधान जो दिया है, जो हमारी जो एक जो गुलामी की जो जंजीर थी महिलाओं की, खासकर महिलाओं के लिए, उन्होंने गुलामी की जंजीरियां तोड़ी। लेकिन आप कह रही हैं बाबा साहब भगवान हैं, अब कुछ दिन बाद आप ऐसे ही शोर मचाएंगे बाबा साहब हमारे भगवान हैं, तो बाबा साहब को एक मंदिर के अंदर ये मनुवादी लोग बिठा देंगे, कहेंगे आप इनकी पूजा करो? नहीं उनका काम है, वो अभी भी आप देख रहे होगे बाबा साहब के नाम के पीछे राम लगा दिया। ठीक है तो ये भ्रम फैलाने के लिए ये काम करेंगे, उनका काम है, मनुवादियों का तो काम है ये। तो आप मनुवाद से निकलना चाहते हो और आप निकल चुके हैं? हम मनुवाद से पहले से निकले हुए हैं और हमारा बहुजन मनुवाद से निकल रहा है। सर अभी जो 2 तारीख को जो घटना घटी और जो उनको कुछ टारगेट बनाया गया और इतना टारगेट बनाया गया कि उनका एक लिस्ट बना ली गई है, तो आपका क्या मानना है? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आप समाज की दबे कुचले समाज की बात को पूरे भारत से लेकर पूरी दुनिया में रख रहे हैं। और दूसरी बात यह कि 2 तारीख का जो बंद हुआ है वो समाज का असली चेहरा सामने आया है कि पढ़ा लिखा समाज अब जाग चुका है, किसी की लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आने वाला है। क्योंकि बीजेपी समय समय पे हमको भटकाने के लिए हमको फूट डाल डाल कर कि तू खटीक है, तू धोबी है, तू चमार है, तू ये है, तू वो है, ऐसे जंजाल से निकल चुके हैं और हम एक ही आह्वान में। हालांकि हम मानते हैं कि इस पर किसी नेता ने हमको यह नहीं गोलबंद किया कि भाई कोई एक पार्टी ने निश्चित किया हो कि 2 तारीख का भारत बंद है, परंतु
भारत देश के मूल निवासी और बहुजन समाज के दिल में एक जो उबाल था कि भाई अत्याचारों के विरुद्ध में जो उबाल था वो सामने आया है। और इतने पढ़े लिखे लोग, हमारे पढ़े लिखे युवा साथी लोग सब सामने आए हैं, पूरा जोर शोर के साथ सामने आए हैं और हमारे इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी जैसी बहुत सारी पार्टियां जो बीजेपी के संगठन हैं, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इस तरह के हिंदू परिषद हो, इस तरह के दलों ने हमारे संगठनों को, हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल था। ऐसी वीडियो आपके सामने बहुत सारी आती रहेंगी, देखते रहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख के आंदोलन के बाद बीजेपी सरकार कोमा में चली गई है और नरेंद्र मोदी गायब हैं, क्योंकि क्या कारण है, हमारे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता है और नरेंद्र मोदी एकदम सांप सूंघ जाता है, उसको मौन व्रत लग जाता है और गायब हो जाता है भारत देश से, क्या कारण है? एक सर, जब गुना के अंदर कांड हुआ था, गुना के अंदर दलितों को मारा गया था, तो मोदी जी ने कहा था अभी दलितों को मारो, मेरे सीने पे गोली मारो। सर ये सरासर धोखा है। मोदी जी का 9 चक्र वाला जो उनका सुरक्षा चक्र है उसमें एक चूहे का बच्चा तो प्रवेश कर नहीं सकता, उसने कहा कि मुझे गोली मार दो, तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी, सरासर हमारे समाज को, बहुजन समाज को बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी। क्योंकि अगर वो ये कहते कि हराम खोरो तुम बहुजनों के ऊपर अत्याचार बंद कर दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो हम मानते कि हाँ वो सच बोल रहा है, उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे समाज को, दलित समाज को धोखा दिया कि तुम मुझे गोली मार दो। 9 चक्र वाले सुरक्षा घेरे में एक चूहे का बच्चा तो नहीं घुस सकता, वो कोई गोली मारने कैसे आ सकता है? अगर वो मुझसे कहता कि मुझे गोली मार देना अगर मेरे किसी दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो तो मैं गोली मार देता उसको, अगर मेरे दलित समाज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है तो। वो ये कहता कि भाई मुझे गोली मारने की बजाय उन हरामखोरों को गोली मार दो, ऑर्डर दे दे कि भाई जो दलित समाज के ऊपर अत्याचार करे उसको गोली मार दो या बंद कर दो, उसके ऊपर टाटा लगा दो, रासुका लगा दो, देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं इनके ऊपर ये इस तरह की धाराएं लगा दो, तब हम मानते कि उसने सच्ची बात बोलते, लेकिन हमको भ्रम जाल में बोला उन्होंने। लेकिन सर उनके हाथ में रोकते को नहीं, सर ये आप लोग कहते हैं कि जो इस समय सरकार चल रही है जुमले की सरकार चल रही है, क्या जुमला है सर? सर जुमलेबाजी तो यहाँ पे 15 लाख का जुमला, फिर कहा कि भाई अच्छे दिन का जुमला, और फिर उसके बाद में कि भाई सर्व समाज सबको साथ सबका विकास वाला जुमला, लेकिन विकास किसका हुआ है? नरेंद्र मोदी के आसपास जो रहने वाले लोग थे, स्मृति ईरानी या इस तरह के लोग थे, चाटुकार लोग थे, उनका विकास हुआ है, अमित शाह के बेटे का विकास हुआ है, और किसी का विकास नहीं हुआ यहाँ पे, या फिर सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? सर बिल्कुल बिल्कुल सरासर धोखा है, ये भी एक जुमला है, ये भी सरासर और सबके पैसे अंदर सबका, ये भी सरासर धोखा है और सबके पैसे अंदर। देखो ये भी एक सरासर धोखा हो रहा है बहुजन समाज के सामने, क्योंकि जितने भी मोदी परिवार के लोग हैं यही भ्रष्टाचारी निकल के सामने आ रहे हैं। अभी तो बहुत सारे घर घर में मोदी छुपे हुए हैं, इनके में अभी सामने आने वाले बाकी हैं बहुत सारे, लेकिन क्या कारण है? ये कहते हैं कि मुझे चौकीदार बना दो, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि जब जब बड़े से बड़ी रॉबरी हुई है उसमें चौकीदार ही शामिल होता है, बड़ी बड़ी रॉबरियों में, बड़ी बड़ी डकैतियों में चौकीदार के बिना कोई डकैती नहीं हो सकती, ये सरासर सत्य बात है, मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ इस बात को। एक बात और बोलूँ जी, देश में इतने डाटा लीक हुए, आज तक 2 डाटा लीक नहीं हुए आज तक, एक प्रधानमंत्री की डिग्री, एक स्मृति ईरानी की डिग्री, क्यों नहीं हुए? आप लोगों ने सवाल नहीं किए इसलिए नहीं, क्यों नहीं किए? सभी लोगों ने सवाल किए हैं, लेकिन मानता कौन है? आप लोग सवाल करते तो ये डिग्रियां, हमारे जो पार्लियामेंट में जो शेड्यूल कास्ट सांसद बैठे हुए हैं वो उनके गुलाम है, सबसे बड़ी बात ये है, तो नहीं तो आपने बनवाया नहीं, हम अब नहीं बने देंगे ना, क्यों नेता अब नहीं बने देंगे, वोट से जीत के नहीं आए, अब नहीं वो तो आए हैं चालाकी से।